हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल ग्लूटेन फ्री। के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं ग्लूटेन फ्री बन या फिर ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँ, तो हेयर आई एम विथ योर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बाउल में डाली है 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच ड्राई ईस्ट यानी कि खमीर। इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और हम 1/4 कप यहाँ पर पानी डालेंगे। पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे यीस्ट और चीनी के साथ और अब इसे हम ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारा जो खमीर है बहुत अच्छा मतलब उठ चुका है, यानी कि ड्राई यीस्ट बहुत अच्छा एक्टिव हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा अच्छी तरह से इसे फेंट लिया मैंने और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 कप चावल का आटा और 1/2 कप रागी का आटा, जिसे कि कई लोग मंडुआ का आटा भी कहते हैं। 1 चिमटी मैंने यहाँ नमक की डाली है, बिल्कुल नमक थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए। मिल्क पाउडर डालूंगी ये मैं यहाँ पर 1 चम्मच और हाथों की मदद से हमें बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी में मैं फ्रेंड्स आपको कहूंगी कि आप चम्मच का इस्तेमाल ना करें, आप हाथ का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्रेड जब हम ब्रेड या बंस बनाते हैं तो हाथ से हम अच्छी तरह से मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर 1 कप दूध मैंने लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हमें हाथ से इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कुछ कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा दूध 1 कप से ज़्यादा लें। मैंने 1 कप से हल्का सा दूध इसमें ज़्यादा डाला है और हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की इसकी होनी चाहिए। अब इसके अंदर 2 चम्मच घी मिला रही हूँ। आप चाहो तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ क्योंकि इससे जो ये यीस्ट की जो स्मेल होती है स्ट्रॉन्ग वाली वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छी तरह से हाथ से हमें इसे मिक्स कर लेना है। ये मिक्स होने के बाद इसे इस तरह से हमें अच्छी तरह सेट कर लेना है। अब इसे 2 घंटे के लिए ढककर हमें रख देना है। 2 घंटे बाद देखिए कितना अच्छा खमीर उठा है और बहुत ही फ्लफी हो गया है ये, आप देखिए। तो बस अब एक बार हमें इसे फिर से दोबारा से गूंथ लेना है। एक बड़ी थाली हम लेंगे और उसके अंदर इसे 5 से 7 मिनट के लिए कंटिन्यूसली अच्छे से इसे गूंथ लेना है। तो देखिए इस तरह से गूंथते गूंथते ये बिल्कुल इस तरह चिपचिपा सा हो जाएगा। जब ये ऐसे चिपचिपा सा हो जाए तो हाथ में हमें घी लेकर के और इस तरह से इसे वापस से चिकना बनाना है। थोड़ा सा ये हाथों में स्टिकी जरूर होगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर घी या तेल कुछ भी हाथ में ले लोगे तो ये हाथों में फिर नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए इस तरह से एकदम चिकना सा बना लेना है हमें इसे। अब इस तरह से लंबा सा हमें इसे शेप देना है। अब हमें यहाँ पर 5 बंस बनानी है, इसलिए मैं इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ। ये इस तरह से जिस पैन में हमें ये बंस बनानी है उसे मैंने ग्रीस कर लिया है अच्छे से ग्रीस करके, और अब एक एक करके बन जो है उनको हमें शेप दे देना है। देखिए इस तरह से चिकने हाथों से हमने इसे बिल्कुल चिकना सा इस तरह सा शेप दे दिया है और अब हम इसे बेकिंग पैन में रख देंगे। इसी तरह से बाकी के जो सारे बंस थे वो भी मैंने तैयार कर लिए और 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे सेट हो गए हैं।
तरफ मैंने माइक्रोवेव को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इन्हें हमें प्री हीटेड माइक्रोवेव अवन में 20 से 25 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड में पकाना है। तो ये हमारे टोटल 22 मिनट लगे हैं इन्हें पकने में, क्यों 20 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया था तो ये थोड़े से अंदर से कच्चे थे, तो इसलिए 2 मिनट के लिए मैंने और माइक्रोवेव में लगाया इसे। ग्रीस कर लेंगे इन्हें अच्छी तरह से और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमारे बंस जो हैं बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें मैं काट के दिखाती हूँ। बहुत ही सावधानी से मैंने इसे काटा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ये बिखर ना जाए, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री बंस हैं। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट बने हैं। ये दिखने में थोड़े से ब्राउनिश दिख रहे हैं बट इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आया है। तो आप इसे चाहो तो सिंपली बटर या जैम के साथ खा सकते हो, या फिर मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी और शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने इस बंस को बीच में से काटा है, दोनों पे 2 स्लाइसेस मैंने लिए हैं और दोनों स्लाइसेस पे टोमेटो सॉस मैं लगा ले रही हूँ। अब इसके ऊपर में चीज स्लाइस रखना है हमें। थोड़ा सा ओरिगानो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, हल्के से चिली फ्लेक्स, बस अब हल्का सा बटर तवे पे लगा करके इसे हम थोड़ा सा सेक लेंगे। थोड़ा सा इसे हम तवे पे तब तक रखेंगे जब तक कि इसकी जो चीज है वो मेल्ट नहीं हो जाती। या तो आप इसे ढककर भी पका सकते हो, या फिर अगर आप इसे चाहो तो डायरेक्टली माइक्रोवेव में आधे से 1 मिनट के लिए रखोगे तो भी आपकी चीज जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये गर्मा गर्म तवा चीज़ टोस्ट बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये बंस बनाए तो ये कैसी बनी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।